6 नंबर गेट को बंद कर दिया गया है। हाउस के सामने जो है जाम लग गई है और सभी लोग जब उसके अंदर जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को अंदर जाना है लेकिन गेट बंद होने के कारण नहीं हो पा रहा था। अभी अंदर मीडिया से बात हो रही है, उनका लाइव है 2 मिनट का, इसको लाइव को 2 मिनट एड्रेस करके हम लोग वापस नहीं आ रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे, सब गेट में ही बैठेंगे हम लोग, हम यहाँ सब यही बैठेंगे, हम सब यही बैठेंगे, हम सब यही गेट पर बैठेंगे। हाँ आएंगे भैया, आप ध्यान दें, गेट बंद है तो इसका अगर रीजन है, गेट बंद है तो सारा काम ठप है, अगर गेट खुलेगा तो काम होते रहेंगे, इसलिए कोई ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, गेट बंद है लेकिन हम आपस में नहीं, गेट खुलेगा तो और लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और लोग आएंगे इसलिए हम चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं सारे गेट बंद है, हाँ सेक्टर बंद रहेगा, हाँ सेक्टर में कोई काम नहीं होगा, ठीक है, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगा रिटर्न में, ये नहीं कि थोड़ी नहीं, रिटर्न में तब तक हम यहीं पर धरना तय करेंगे और आप अपना इसी तरह हौसला जाहिर करना है, ठीक है सर। सचिवालय का 6 नंबर गेट बंद है, बाहर काफी लोग हैं जो अपने समस्याओं को लेकर रोज आते हैं सचिवालय में और अपनी समस्या को पूरा करते हैं। एक प्रकार से पूरी तरह सचिवालय का काम आम लोगों के लिए ठप हो गई है। हमारी मांगे पूरी करो। इस तरह एक विकट समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जब हम लोग का मीटिंग कुछ दिन पहले हमारे टॉप के लिए प्रेशर हुआ था, उसमें ये हुआ था कि हम गाइडर स्ट्रक्चरिंग का काम करेंगे, उन्होंने दिखाने के लिए कमेटी बना दिया, जबकि इस ऑफिसर के बारे में हम लोग को सबसे ज्यादा डाउट है, डाउट नहीं बल्कि उम्मीद है कि सबसे ज्यादा वो है कैलाश चंद्र, उसको भी उस कमेटी में शामिल किया गया। शामिल करने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही था कि किसी भी तरीके से इसका जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है वो सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों हमारा जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कैलाश चंद्रा। उसके बाद हमने कैलाश चंद्रा का शिकायत जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी किया गया,
नहीं दोस्तों, जैसा आप लोग को मालूम है कि ये यू टर्न लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा आप लोग स्ट्राइक मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, 24 घंटे के अंदर आपको लेटर दे दिया जाएगा। हमें उस दिन डाउट तो हुआ था कि हो सकता है 20 घंटे के बाद ये मुकर जाए, लेकिन वो 20 घंटा भी नहीं पूरा हुआ, 10 घंटे के बाद ही मुकर गए। बोले ऐसा है जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे सरकार में एक मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, आप उनके पास जाए। हम लोग उनके पास भी गए, बड़ा रिक्वेस्ट किया, दो दिन मीटिंग हुई इनके साथ, अपने मांग रखा। उनका एक जवाब था कि यार तुम्हारा मांग तो बहुत टेढ़ा है, ये बहुत जटिल समस्या है, इसमें केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा, लिहाजा अगर आप कहते हो तो हम केंद्र सरकार भेज देते हैं। हमने एग्री नहीं किया, हमने कहा मंत्री जी जब हमारा एनसीटी एक्ट आया था तो ये पावर आपको डेलीगेटेड है, ये उनको बता दिया गया। बोले मैं नहीं मानता इस चीज को, नहीं मानता, मैं कह दिया केंद्र सरकार जाएगा तो केंद्र सरकार जाएगा, इनका अपना कानून था। लास्ट में फिर कहा गया कि आप हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट से मिलिए, वो शायद आपका समाधान निकाल दें। हम लोग उनके पास भी गए, राजेंद्र कुमार जी जो आईएएस ऑफिसर है, आज सलाहकार है हमारे सीएम के, हम उनके पास गए, उनका लैंग्वेज सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा तुमको जो करना है कर लो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये लैंग्वेज था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मजबूर किया गया कि आप स्ट्राइक करो, आप धरना प्रदर्शन करो। तब दोस्तों धरना प्रदर्शन मैंने पहले भी कहा था कि हमने स्टार्ट नहीं किया, धरना प्रदर्शन हमने स्टार्ट नहीं किया, हमें कहा गया है कि आप धरना प्रदर्शन करें। और इन लोगों का एक प्रैक्टिस और भी है कि धरना प्रदर्शन करा दो, दो तीन दिन में ये लोग थक जाएंगे, उसके बाद ये लोग आएंगे ही नहीं मेरे पास। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं सुबह भी कहा था, आज के बाद, आज से बल्कि दिल्ली सरकार का कोई भी ऑफिस नहीं खुलेगा। आपको पावर है नो डाउट, आप सीएम हैं, आपको बहुत पावर है, आप हम लोगों को टर्मिनेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। सारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्टाफ जो भी एलडीसी है, यूडीसी है, आपके इसमें एसडीएम भी हैं, आपके इसमें कुछ एडीएम भी हैं, आप टर्मिनेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत बड़ा पावर दे रखा है, संविधान में पावर है आपको, आप कर दें। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि बिना मांग मांगे हुए हम यहां से हट जाएं, तो केजरीवाल जी ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जिस तरीके से आप जिद्दी हैं, आपसे ज्यादा जिद्दी हम लोग हैं। हम अगर काम करना जानते हैं तो हम काम रोकना भी जानते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली सचिवालय का सामने जो लोगों ने धरना दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, और तकरीबन यहाँ पर 100 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सचिवालय के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि गेट के सामने प्रदर्शन हो रहा है और बंद है। इसी के साथ YFF न्यूज़।
धन्यवाद।